तो कहने का मतलब ये उम्र ऐसी है, इसमें ग्रुप डिस्कशन करना अच्छी बात है, लेकिन लंबी लंबी बातें करना, कान को लाल करना, मोबाइल को गर्म करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो इफेक्ट पड़ता है वो ब्रेन पे पड़ता है। तो इसीलिए आप ये लंबी लंबी बातें फ़ोन पे मत किया करो, चाहे कोई भी हो। अब मान के चलो 2-3 दिन तक बात हो गई, और लड़कों में ये कमी है, लड़की थोड़ा सा उससे कुछ नोट्स वोट्स लेने के चक्कर में, किताबें विताबें लेने के चक्कर में, थोड़ी सी हेल्प लेने के चक्कर में कोई एक दो अपने सर्कस में से तीर फेंक देती है। अब लड़कों को लगता है कि इसने तो सबको समर्पित कर दिया, अब तो ये तेरी हो गई। तो वही फिर वो क्या कर देता है, वो सोना बाबू करके मैसेज भेज देता है, ठीक है मेला सोना बाबू। ये लड़कों के नखरे हैं, ठीक है। तो ये जो सोना बाबू को मैसेज भेजना कि मेला सोना बाबू कैसा है, वो अपने आप में आपको बचपना दिखाता है, ठीक है, वो मेच्योरिटी को नहीं दिखाता। तो बहुत सारे बच्चे, हर 100 में से बता रहा हूँ, हर 100 में से 70 बच्चे गलत फहमी में हैं लड़कियों के चक्कर में। इसमें से 100 में से 40 तो पागल तभी हो जाते हैं जब पीछे से बालों को यहाँ से पकड़ के यहाँ रख देते हैं ना, 40 तो तभी रह जाए। नौ लड़कों की बात है।